Hey guys, what's up? So welcome back to another video. So हम लोग रोकते भाई एक बार यार, मेरे को इतने सारे बैग दे दिए, कूले बना दिया मेरे को, बताइए रोकते भाई एक बार। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हम लोग जनरली ऐसा वीडियो शूट नहीं करते, हम लोग म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं एंड लाइक जनरली हम लोग ये नहीं करते। हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद फॉर अ सरप्राइज रीजन, वो सरप्राइज हम लोग तुम लोग को बाद में बताएंगे, एंड ऑफ द वीडियो। हाँ, एंड नहीं, बीच में बताएंगे, वेट फॉर द एंड। लेकिन पूरा देखो भाई, हम लोग हैं फिलहाल अभी पुणे एयरपोर्ट में एंड पुणे एयरपोर्ट में हम लोग ये शूट कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, पीछे हम लोग सब लोग हमको ही देख रहे हैं एंड आई गेस आदित्य का वेट कर रहे हैं। आदित्य हम लोग को बोला था वो जल्दी आएगा, बट वो नहीं आया, लेट आ रहा है वो। यस, ओके गाइस, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग तुम लोग को मिलते हैं सीधा फ्लाइट में अभी, क्योंकि बहुत सारा सिक्योरिटी चेक। बाय बाय, बाय। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग है बोर्डिंग पास कलेक्ट करने वाले जगह पे। हम लोग तुम लोग को मिलते हैं सीधा फ्लाइट में, बोर्डिंग वहाँ पे बोर्डिंग पास कलेक्ट होता है एंड हम लोग अभी भी आदित्य का वेट ही कर रहे हैं। आदित्य आ गया भाई, आदित्य आ गया, सही सही, चलो भाई बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेते हैं। हेलो, सो हम लोग फ्लाइट यहाँ बोर्ड करते हैं, वहाँ बैठे हैं एंड वेट कर रहे हैं फ्लाइट का एंड पीछे आदित्य बैठा है एंड हर्ष को हमने एक्सक्लूड कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं बैठ सकता भाई। हर्ष वहाँ बैठ गया भाई, सो सैड। व्हाई आर वी स्टिल हियर एंड आदित्य पीछे बैठा है भाई वहाँ एंड आदित्य की मॉम यहाँ बैठी है हम लोग के साथ। फ्लाइट हम लोग की है 20, अभी हो रहे 8:42 फ्लाइट है, 9:20 तो मिलते हैं हम लोग आप लोगों को फ्लाइट में। हम यहाँ अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। अब ये देखो, मेरे को कुली बनाया था ना इसने, देखो भाई कर्मा, कर्मा देख रहे हो। देखो इन्हें, ये हैं। Last but not least, I want to thank me. एक्चुअली हमारा अभी कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस हो चुका है, सो हम अभी होटल में जाएंगे मोस्टली, फिर से एक और बार प्रैक्टिस करना है हमको, दो तीन करना है, एक नहीं दो तीन करना है, फिर हमको उसका एक और बार। हम लोग ने एक सेकंड, अब तक कॉन्सर्ट होने वाला ही बताए नहीं। देखो इन्हें, एक्चुअली हम लोग हैदराबाद आए थे कॉन्सर्ट के लिए, जो थैंक्स टू आदित्यस डैड जिन्होंने कॉन्सर्ट के लिए हम लोग को अप्रोच किया एंड अभी हम लोग करने वाले ये कॉन्सर्ट यहाँ पर। आप लोग को स्टेज मैं थोड़े टाइम में दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहीं पर हैं एंड इसके बाद हम लोग का एक प्रैक्टिस हो गया है, आई गेस सेकंड करने के बाद हम लोग जाने वाले होटल। होटल जाने के बाद फिर उधर थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, अगले दिन सुबह कॉन्सर्ट एंड रात को बस एंड फिर वापस घर। अभी बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट करने हैं। वन ऑफ माय डैड्स फ्रेंड्स अभी जस्ट मेरे को एक पैडल दिए है, ये डिस्टॉर्शन पैडल है, ये कॉन्सर्ट में यूज़ होगा, सो मेरे को जस्ट एक बार जस्ट चेकआउट करना है। सो या भाई, सब लोग फ्रेम में नहीं आ रहे भाई, एक सेकेंड। हाँ ओके, सो
अब मैं तुम लोग को फ्रेम में हर शाम क्या मेन फुटेज यस ये बंदा सिर्फ फुटेज खाता है द मेन फुटेज गाय फुटेज खाने के लिए इसको सबसे ज्यादा मजा आता है ओके सो मैं तुम लोगों को पहले स्टेज दिखाता हूँ स्टेज दिखा देता हूँ एक सेकंड सो गाइस यहाँ पे स्पीकर्स है सारे के सारे स्पीकर्स का बेस लिटरली बहुत अच्छा है फिर उसके बाद ये मेन स्टेज है यहाँ पे माइक है वो वाला स्टैंड जो दिख रहा है तुम लोगों को वो लैपटॉप लगाने के लिए एंड उसके बाद यहाँ पे मिक्सर्स वगैरह है एंड हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे एंड दैट्स इट यहाँ पे फिर से स्पीकर है एंड स्टेज जनरली बहुत अच्छा है तो अभी हम निकल रहे हैं अभी हम जा रहे हैं होटल के लिए मजा आया हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम में होटल क्या होता है हम लोग होटल रूम में आ चुके हैं गाइस एंड हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं तो हम लोग आ गए अभी अभी होटल रूम में हम लोग ने कॉफी चाय सब मंगाया है एंड हम लोग उस वेन्यू से आई गेस वॉकिंग डिस्टेंस में है ये जो होटल क्या बोल रहे आए तो चल के ही है चल के ही आए हम लोग एंड थक गए बहुत ज्यादा तो सब जन नहा के आके आए थोड़ा फ्रेश हो गया अभी और दो तीन बार प्रैक्टिस हो गई उसके बाद फिर चिल टाइम मेरी कॉफी की कमेंट करके बताओ आपको किंग के सॉन्ग्स कैसे लगते हैं ये डिस्टॉर्शन पैडल यूज कर रहा है बंदा बहुत मस्त अपने होटल रूम में बैठे थे और हम सब बोर हो रहे थे हम सोच रहे थे क्या करें तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की कमेंट्स पढ़े क्योंकि हमने कभी भी सही से एक्नॉलेज नहीं किया उनको बस हार्ट देके छोड़ दिया तो लाइक एक बार कमेंट्स पढ़ लेते हैं कमेंट्स पढ़ देख लेते हैं भाई आप लोग के सामने रिप्लाई करते हैं ये है यार मेरा है तू हमारा यार मेरा तू फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग और सेकंड आने वाला है स्पॉइलर अलर्ट तैयारी चालू हो चुकी है ओके सो फर्स्ट हमारा यार मेरा है तू का फर्स्ट कमेंट भाई कूल सॉन्ग रिमाइंड Epic Magnets कह रहे हैं cool song reminds me of my childhood friends amazing work boys keep going thank you यही हमारा motive था childhood nostalgia type हमने किया especially rap उसका you what made you keep the channel name B5 Bad 5 तो in short हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि हम लोग बस यूं ही conference पे थे and हम लोग बस ऐसे सोच रहे थे कि भाई क्या रखना चाहिए ना एंड देन अचानक से हमारे माइंड में पॉप अप हुआ B5 Bad 5 विद फोर मेंबर्स या B5 विद फोर मेंबर्स पता नहीं क्यों भाई ऐसा बट ठीक है भाई यही ना और देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग देखते हैं 1B21 देखते हैं वो भी अच्छा हुआ था रिस्पांस काफी अच्छा आया उस पे अर्पिता कुलकर्णी डायनामाइट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल सॉन्ग मेरे को याद है ये मैंने कहा था सो थैंक यू सो मच अच्छा इसीलिए कमेंट चूज किया गया है बाय हर्ष मैंने चूज नहीं किया इसने चूज किया है एंड गाइस इफ इन केस यू आर वंडरिंग कि आदित्य क्यों नहीं है इस फ्रेम में तो मैं बता दूं कि ही इज लाइक उसके डैड ने यार ये किया है पूरा हमारे लिए
तो उसको रहना पड़ेगा बिजी, वो रीति रिवाज है। तो इसलिए हम लोग होटल रूम में बैठ के बोर हो रहे थे, तो हम लोग ने सोचा आपको भी बोर किया जाए हम लोग के साथ। चिन्मय बजंत्री कह रहे हैं, हे गाइस ऑसम सॉन्ग बट वी गॉट टू नो योर लिप सिंकिंग। हाँ पता है भाई, कभी कभी हो जाती है। मैं तुम लोग को बता, अगर तुम लोग ने 1B21 का BTS देखा है तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि हर्ष शर्मा एंड आदित्य ये दोनों लिप सिंकिंग में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा। एंड इसी के वजह से वो सीन हो गया है लाइक, बट मैं काफी कोशिश करता हूँ। बाई दी वे मैं एडिटर हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो अटेंशन वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, अटेंशन तेरा घाटा वाला मैच, तो उसमें ये बहुत कम हुआ है। प्रैक्टिस करके आया था, बोलो बार बार झूठ बोलो, बहुत ज्यादा मेहनत की थी उस गाने में। लिप सिंकिंग वाला इशू इसलिए भी होता है क्योंकि हम लोग ऑडियो और वीडियो दोनों अलग अलग से रखते हैं। किशोर राय कह रहे हैं वेरी नाइस गाइस, कीप इट अप, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी हम लोग इसके साथ थोड़ा बिजी हो गए थे प्रैक्टिसेस में, अभी हम अटेंशन वाला वीडियो देखते हैं। अटेंशन वाला वीडियो वाज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड वीडियो ऑफ आवर चैनल। हम सब एक साथ मिलकर रिकॉर्ड किए थे, इट वाज द फर्स्ट वन, मतलब वीडियो नहीं ऑडियो हमने एक साथ पहली बार। मेल सेज द मोस्ट अंडररेटेड चैनल ऑन YouTube एवर, दिस मींस अ लॉट। थैंक यू। Lenovo S145 कह रहे हैं आफ्टर अ ब्रेक बट रॉकिंग। अब कंसिस्टेंट नहीं है हम, ट्राई का टाइम लगता है बट क्वालिटी कंटेंट हम प्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं, Too good. I just listened to see this lovely face and soul. God bless you guys. Yeah, lovely face है. Thank you. मतलब lovely कह रहे हो तो thank you. This time the video is pretty much good. Tanisha Rahul, thank you. Thank you so much. Thanks to Tanay, बहुत अच्छा भी आता है इस बार. Yes. This time the video was professional and improvement is visible. Manika Sharma, you मेरी mom है. Thank you mom. Thank you. Thank you. संगीता माने, सो मेलोडियस वॉइस डियर तने, कीप इट अप। थैंक यू बढ़िया, थैंक यू। मन में लड्डू फूटा, व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक। आ गया और यहां पे काउच पे हमको जगह कम पड़ रही है, मैं फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। अद्विका ठाकुर सेड सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड टोल्ड टू डू द सेम, ये एक्चुअली बहुत हम एक्सपेक्ट करते हैं सबसे। अनदर कमेंट बाय द सेम पर्सन, योर नन्हे कदम will turn into bade kadam in future, I wish. Thank you so much. Tulika Gupta, she's our teacher. Yeah. It's always a pleasure to watch this talented team together. Thanks for this amazing song. God bless you all. Thank you so much, ma'am. Ali Ranja. Aur ek song jo I guess almost underrated song है हम लोग के गाने का, हम लोग के परिचालन का, क्योंकि इस गाने में बहुत मेहनत लगी थी। response, I think एक बार पूरा शुरू से किया था। Yeah, like हमने गाना बनाया है, फिर से एक बार उसको पूरा किया। क्योंकि वो result अच्छा नहीं आया। Yeah. बस में करो बीबी वाला। अच्छा बस में वो song by बीबी, okay right? हाँ कर सकते हैं, try कर सकते हैं। बीबी Indian game है, he's also very important creator. He's friend of ours. And a friend of ours, yeah. Right. ज्योति रावी उपवेजा कह रहे हैं हाय सोहम, हाय सोहम, मेबी योर रिलेटिव और सम, या मैं आदित्य, आदित्य इज रीडी में कमेंट। टेक्नो ऑथर वो थम्स अप फायर फायर फायर, सब सब टेक्नो ऑथर इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर फ्रेंड एंड ही इज आल्सो वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। अनबॉक्सिंग वीडियोस उसके बहुत रिव्यू, बहुत अच्छे गेमर अथर्वा, ही इज आल्सो गेमर अथर्वा इनटू गेमिंग, सो या उसको भी चेक आउट करो, ही इज आल्सो वेरी गुड। यहां पे हमारे बीइंग हर्ष के कमेंट, बीइंग हर्ष इज क्या क्या हो, या बीइंग हर्ष के चैनल को भी जाके सब, बीइंग हर्ष के यू हैव बीइंग हर्ष के थे, बहुत मेहनत करवाई इस गाने ने। ओके सो और एक चीज बताता हूं, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो हमारे होते हैं उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रैप बहुत बढ़िया था, क्या हो अगर आप लोगों को पूरा वीडियो ही रैप देखने को मिले, तो अगर आप लोगों को वैसे देखना है तो आप लोगों को जाके बीइंग हर्ष के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी मेरा चैनल डेड पड़ा है, मैं डालूंगा कंटेंट अभी। या सो दैट इज इट गाइस, हम लोगों ने सारे कमेंट्स पे रिप्लाई कर दिया है एंड अभी हम लोग नॉट सारे बट थोड़े सेलेक्ट, हां कुछ सेलेक्ट, अगर हम लोग कुछ यूनिक यूनिक तुम करो इस वीडियो में कमेंट करो, हम करेंगे बात। या एंड अगर हम लोग ने कुछ कमेंट्स मिस किए तो भाई सॉरी, सारे कमेंट्स थोड़ी ना रीड कर सकते हैं सारे, तो फिर वीडियो बहुत लंबा सा हो जाएगा। या
गाइस अभी सुबह हो रही है एंड यहाँ सो रहा है और आदित्य वहाँ ब्रश कर रहा है एंड यहाँ पे हर्ष सो रहा है अभी तक सो रहा है तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई तो टाइम पास करेगा हर्ष के साथ हर्ष उठ गया इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उस वाले सोहम और हर्ष यहाँ पे आदित्य आगे चल रहा है एंड आई गेस हम लोग कॉन्सर्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं देखते हैं कॉन्सर्ट हम लोग अलग से डाल सकते हैं यूट्यूब पे हम लोग उनसे परमिशन पूछेंगे तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद आई गेस कॉन्सर्ट के बाद आदित्य यहाँ पे है भाई अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो आदित्य वहाँ पे बिजी इंसान है हाँ तो मिलते हैं तुम लोग को कॉन्सर्ट के बाद आई गेस सो गाइस हम लोग होटल में जा रहे फिर से एंड कैमरा मेरा डेड हो चुका है पूरा हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया है बुक्स को पूरा रिकॉर्ड हुआ एंड अभी हम लोग वापस होटल को जा रहे हैं हमारा कॉन्सर्ट हो गया है या अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है थोड़ा थोड़ा यस जैसा किया था वैसा तो हुआ नहीं है बेटर आप लोग जो देखते हो सीधा स्टेज पे देखते हो इसलिए तुम लोग को नहीं पता कि हम लोग ने क्या एक्सपेक्ट किया था हमने प्रैक्टिस एको वाले रूम में किया था हमको जो सुन रहा था वो इतना अच्छा था हमको जो सुन रहा था बट देन माइक पे अलग ही हो गया पूरा पर्सनली बताया तो माइक पे कम प्रैक्टिस करी माइक पे हमने एक ही बार प्रैक्टिस कर दी यस तो चलो अभी आप रूम में जाके बात करते हैं रूम में जाएंगे यस और वो हाथ मत रख यस यस सो गाइज हम लोग अभी होटल रूम में आ गए एंड हम लोग हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे एंड सोम यहाँ पे हर्ष यहाँ पे सो बेसिकली हम लोग जैसे आपको रास्ते में बताया हम लोग ने आते समय कि भाई हम लोग के क्या आजा भाई तू भी आ रहा है सो हम लोग एक्चुअली देख रहे थे परफॉर्मेंस एंड जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था उतना बढ़िया तो नहीं हुआ बट या इट वाज गुड नाइस हमने एक्सपीरियंस या वही एक डाउनफॉल था अगर वो भी कर देते ना तो आई गेस अच्छा हो जाता एंड बट आई होप हमारा सॉन्ग सिलेक्शन जो था आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो हम इसका एक अलग से मैशअप बना के YouTube पे डाल हम लोग सोच रहे थे इसी का YouTube पे डालने का सोच रहे थे हम लोग इम्प्रूव्ड वर्जन काइंड ऑफ थिंग या जैसे कि हम लोग ने कल कमेंट्स को आंसर करते हुए बताया था कि हम लोग का एक ओरिजिनल सॉन्ग भी आने वाला है तो भाई जल्दी मजा आने वाला भाई यस स्टे ट्यून्ड या हम लोग का 7:30 बजे का बस है अभी बज रहे सो गाइज हम फिर से होटल में आ चुके हैं और हम बहुत थक चुके हैं इतने थकान में भी हमने अपना हमारा परफॉर्मेंस देखा और वो फिलहाल हर्ष और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड है कि वो हर्ष पूरा नीचे गिर चुका है वो रो रहा है रो मत भाई अब रो नहीं रहा बस कुछ तो चल रहा है या सो एक्चुअली क्या है कि मैं ये परफॉर्मेंस के लिए हमने इलेक्ट्रिक गिटार्स में शिफ्ट किया था मैंने और सोम ने तो उसके लिए मैंने पैडल लिया था जो सिंपल होता है पैडल मतलब आपने कार का एक्सेलरेटर देखा होगा वो दबाने से ऐसा आगे जाता है तो पेडल में सिंपली वैसे ही होता है बस उससे आपका डिस्टॉर्शन में जाता है सो जिन लोगों को डिस्टॉर्शन का नहीं पता क्या है आपने कभी मेटल गिटार्स रॉक गिटार्स सुने होंगे तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं थोड़ा ऐसे हैवी बहुत ऐसा या हैवी टोन बिना डिस्टॉर्शन के बेसिकली वो एक नॉर्मल गिटार की तरह बजता है नॉर्मल अकोस्टिक गिटार और डिस्टॉर्शन के साथ वो एक मेटल गिटार के टाइप बजता है इलेक्ट्रिक गिटार के या सो थोड़े सॉन्ग्स में सोम ने सजेस्ट किया था कि तो डिस्टॉर्शन बजा फिर से या सो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ था कि थ्रू आउट कॉन्सर्ट मेरा क्लीन बज रहा था एंड मेरा पैडल काम नहीं कर रहा था फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई मेरा कलंक जब हमारा हो गया था उसके बाद मेरा डिस्टॉर्शन स्टार्ट हुआ था जो मेरे को बहुत खराब लगा क्योंकि डिस्टॉर्शन मेरे को बहुत प्रैक्टिस किया था हमने और तो एक बार बात है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था सबके पेरेंट्स ने बोला कि हमने अच्छा किया बहुत अच्छा किया हमारे फ्रेंड्स ने भी इनफैक्ट बहुत यू नो अच्छे से कमेंट्स दिए ये हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था तो यू नो इतना सा ये हमने स्कूल में परफॉर्म किया बहुत बार बट ये थोड़ा अलग लेवल या लास्ट ईयर था एंड बस अब बहुत ज्ञान बोल लिया अब थोड़ा चाय पी लेते हैं चलो गाइज आदित्य और सोहम चले गए उनको कुछ तो काम था देवर लाइक उनको कुछ लगेज वगैरह का काम था इसलिए लोग चले गए
अभी मैं और हर्ष है रूम में। भाई तूने भाई को अकेला छोड़ दिया भाई। हर्ष सो जा भाई, तू सो जा। सो गाइज मैंने हर्ष को उठा दिया फाइनली। अब हर्ष आपको देगा रूम टूर। दरवाजे से आप जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे एक काउच है, यहाँ पे एक यहाँ पे बाथरूम है। बाथरूम दिखाने लायक है नहीं, है नहीं तो जाना नहीं है उधर। फिर उसके बाद यहाँ पे बेड है, बहुत फैले हुए। यहाँ पे एक मिरर है, मस्त। यहाँ पे एक मिरर है, वो भी क्वालिटी मिरर है। या उसमें देख के हम तैयार होते हैं। तैयार नहीं, बस बाल सेट कर। या तो यहाँ पे गिटार रखे हुए हैं, वहाँ पे स्पीकर है हमारा JBL का, बाय द वे हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। एंड यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर्स वगैरह रखा हुआ है। ये सोहम का एम्पलीफायर है, ये आदित्य का एम्पलीफायर है, और सोहम का एम्पलीफायर क्या है? सोहम का एम्पलीफायर है, नहीं ये सोहम का है, नहीं ब्लैक स्टार आदित्य का एम्पलीफायर है। ब्रो वी आर इन वन रूम एंड यू डोंट नो हूज एम्पलीफायर इज किसका। पहले कॉफी पी थी, फिर यहाँ पे शूज वगैरह हम लोग के, ये मेरा बैग वहाँ, एंड वहाँ पे एसी है जो लिटरली 24 आवर्स ऑन रहता है। हाँ मजा आता है क्योंकि इसकी कूलिंग बहुत मस्त है इसीलिए। Hey guys, so focus. Yeah. Yeah. So, hey guys, so अभी हम लोग बैठे हैं हमारे बस वाले सीट पे। हम बस आए थे, थोड़ा धीरे बात कर रहे हैं बिकॉज बाकी सब लोग सो रहे हैं। सो हम लोग ने बहुत बड़ा जंप मार लिया एक्चुअली, क्योंकि जो होटल में हम लोग ने लास्ट लॉक किया था, ब्लॉक किया था, उसके सीधा के बस में लगे। चेकआउट अराउंड 7 किया था, अभी बज रहे 9:30। अभी हम सीधा पहुंचेंगे 6 o'clock को, 6 o'clock को अगले दिन सुबह, ऑब्वियसली अगले दिन सुबह। कैमरा टू हर्ष, लेट्स टर्न द कैमरा टू हर्ष। यो एवरीबॉडी, अगर आप लोगों को याद हो ये मेरा उसमें था बिहाइंड द सीन में। यस ओके ओके एवरीबॉडी, ओके ओके एवरीबॉडी। तो कमेंट करो, मतलब ऑलमोस्ट एंड भाई, कमेंट बाद में। कमेंट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी था, हमने ग्रैब किया, वी ट्राइड आर बेस्ट। एक्सपेक्टेशन जितना रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, वी विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली तो आदित्य के डैड है, मतलब अंकल, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, मतलब परफॉर्मेंस के बाद ही वॉज लाइक कि भाई तुमने अपना 200% दिया, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और डिफरेंट, मतलब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करना। सो इन शॉर्ट उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, ही एक्चुअली हेल्प्ड अस अ लॉट, ही गेव अस अपॉर्चुनिटी। पर पूरा हम जो जहाँ पे बैठे वो एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं। यहाँ सोम बैठा है, यहाँ आदित्य, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, कंटिन्यू। हाँ तो यहाँ हर्ष है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यहाँ हमने खिड़की खोल रखी है। तो गाइस सो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली व्लॉग यहीं तक था। अगर इफ इन केस हम कुछ शूट करते हैं तो हम इस आउटरो के पहले डाल देंगे उसको। सो या थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस, दिस वॉज द एंड ऑफ द व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ ताकि हम और व्लॉग कर सकें। ओके गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग। भाई लाइट चली गई भाई, इतना बुरा बोल रहा था क्या मैं, बंद ही कर दूँ भाई, मुझे बुरा लग रहा है भाई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा। इस दिल को ये समझा लिया हम, यू जस्ट वांट अ चांस, यू नो माय